आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करने के लिए डोनर और रिसीवर का ब्लड ग्रुप सेम होना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ। वेल, हमारे ब्लड में एक टाइप के एंटीजन्स होते हैं और ये एंटीजन्स दूसरे टाइप के खून चढ़ाने पर उसे पहचान लेते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि बाहर से कोई अनवांटेड यानी कुछ गलत चीज हमारी बॉडी में आ रही है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक टाइप की रिएक्शन स्टार्ट कर देता है जिससे हमारे ब्लड सेल्स इकट्ठा होकर उस नसों में बहने वाले खून को रोकने लगते हैं ताकि वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ना फ्लो कर पाए, और ऐसा होने पर हमारे शरीर के कई हिस्सों में खून का बहाव बंद हो जाता है जिसकी वजह से किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और यहाँ तक कि इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन एक टाइप का ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो दूसरे टाइप के ब्लड ग्रुप को भी चढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, उस ब्लड ग्रुप का नाम है ओ पॉजिटिव। दरअसल ओ टाइप के ब्लड ग्रुप में जो एंटीजेंस होते हैं वे दूसरे टाइप के ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस के साथ भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को दूसरे टाइप के ब्लड ग्रुप के साथ भी चढ़ाया जा सकता है और इसी वजह से इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है।